बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के हिंदी के आकलन कार्ड पत्रक संख्या 3, जो कि 17 नवंबर के लिए है, उसको 17 सितंबर के लिए है, उसको पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। बहुत ही आसान वर्कशीट होने वाली है। इसमें आपको पैराग्राफ पेश दिया गया है, उसे पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत ही रोचक है। आपके सामने प्रश्न होंगे, उनमें 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही होगा उसके सामने वाले गोले को आपको काला करना। तो पढ़ते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भूने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों की बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को बहुत कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर भी। तो इसमें लेखिका जो है अपने छुटपन के बारे में बता रही कि शिमला में रहती थी, वहाँ पे कैसी क्या क्या चीज़ें खाती थी, चना जोर गरम कैसे मिलता था, घूमते थे रिज पर, घूमते थे, घोड़े की सवारी करते थे, इनके बारे में। इसे पढ़ करके अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने शिमला रिज पर कब मज़े किए थे छुटपन में। तो आपके पहले का उत्तर ये सही है, इसे आप काला करेंगे। दूसरा है, हिस्पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के होते थे, ननिहाल के। सी उत्तर सही है, तो सी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हो गए, पहले का आपका ए सही है, दूसरे का सी। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा उत्तर आपका होगा, कहाँ के काफल बहुत याद आते हैं, तो शिमला के। बी उत्तर सही है, बी के सामने वाले गोले को आप काला करिएगा। चौथा प्रश्न है, चरा जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी, पुराने कागजों से। तो बी उत्तर सही है, बी वाले सामने गोले को काला करेंगे, बाकी सब गलत हैं। ठंडा शब्द का विलोम क्या होगा, सूखा नहीं, गीला नहीं, मुलायम नहीं, गर्म। डी उत्तर सही है, डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। 5 हो गया। छठा है, खूबसूरत शब्द का अर्थ क्या होता है, खूबसूरत का अर्थ होता है सुंदर। तो ए सही है, बेकार उपयोगी ये सब गलत हैं, ए वाले गोले को आप काला करेंगे। 6 प्रश्न हो गए, अब आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, तो अनारदाना ये संज्ञा हो गया। देहांत, बीमार, सुखी ये सब नहीं है। तो पहला आपका उत्तर ए सही है। इनमें से सर्वनाम क्या है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो समुद्र संज्ञा है, पर्वत संज्ञा है, झरना संज्ञा, वह डी जो आपका उत्तर है यह सर्वनाम है। तो डी के सामने वाले गोले को आप काला। अब आपका हो गया 9वां प्रश्न, इन शब्दों में तत्सम शब्द सुनकर लिखिए, चुनकर लिखना है। तो पुष्ट जो है तत्सम शब्द है, बाकी मौका, मजे, कमतर ये सब तद्भव हैं। जल और नीर शब्द किस पर्यायवाची, किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आदमी का नहीं, हवा का नहीं, आगे पानी है, नीचे देखेंगे पानी। तो जल और नीर जो है, आप देखेंगे प्रश्न यहाँ है, जल और नीर पानी का पर्यायवाची हैं। तो इस गोले को आप काला करेंगे और इसे करके पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करिए और या अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।